हेलो दोस्तों वेलकम टू आयर चैनल बी प्रोग्रामर एफ तो आज के इस पढ़ला वीडियो में एक बहुत बड़ी एम एन सी एमेजॉन जैसी एम एन सी के बारे में बात करने वाले अमेजॉन में आए हुए अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो कोई भी ईयर का बंदा अप्लाई कर सकता है जीरो टू टू ईर्यस ऑफ एक्सपीरियंस है एक फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो और दो साल के एक्सपीरियंस टो अप्लाई कर सकते हो कोई भी इशूज़ नहीं आने वाले हैं इट इज़ फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताएंगे सारी चीज़ें दिखाएंगे कैसे कैसे करना है बिकॉज पहले भी लोगों के इतने ढेर सारे लोगों के ऑलरेडी जॉब्स लग चुकी हैं आपकी भी अगर लगना लगवाना चाहते हो तो भाई देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज जस्ट जो चीजें वो मान लो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें में डाल के अप्लाई करना तभी थोड़ा सा हेल्प होता है ठीक है और सही से बनाना काफी चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके और डेफिनेटली यार प्लीज एक लाइक तो बनता है यार एक लाइक करे कॉमेंट कर दोगे ना भाई कॉमेंट कर दो अपना ग्रेजुएशन ईयर अपना ग्रेजुएशन हाउ हाउ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लग रही वीडियोज की नहीं किस टाइप की वीडियो चाहिए क्या सजेशन है क्या चीजें अपन लेके आए जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो

सपोर्ट ठीक है तो कैसे कैसे करना है क्या क्या, क्या चीजें करनी है प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन उसके कई रेज्यूमे के ऊपर काफ़ी चीजें हैं एचआर क्वेश्चन है, के है तो सारी चीज आप फॉलो कर लेना डेफिनेटली आपको हेल्प होगा और क्रैक करने में होगा द द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दैट इज इज स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर के सपोर्ट कस्टमर के सपोर्ट के, के बारे में है एंड द लोकेशन इज बेंगलुरु इसमें कहीं पर भी वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखा है अभी के लिए हो सकता है वर्क फ्रॉम होम फॉर नाउ बट बाद में हो सकता है वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाए इसीलिए परमानेंट वर्क फ्रॉम जॉब नहीं है इन सारी चीजों का ध्यान रखना

द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज ग्रेजुएशन ठीक है तो ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा कोई भी प्रिफर्ड में देख लो या बेसिक्स में देख लो ठीक है क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएशन वाला बंदा अप्लाई कर सकता है फ्रेशर्स और ग्रेजुएट विद जीरो टू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास जीरो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चलेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दो साल तक का एक्सपीरियंस अब बहुत ही अच्छी बात है नेक्स्ट थिंग फिर एप्लीकेंट शुड हैव इन स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए स्ट्रॉग एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए उसके बाद डेमानस्ट्रेट द्रॉग सेल्फ मोटिवेशन वगैरह खुल सेल्फ मोटिवेटेड हो बंदा वो बंदे जरूरी है वो बंदे इंपॉर्टेंट है उस कंपनी में नेक्स्ट थिंग फिर एबिली टू work एज एन असाइन मतलब जो भी आपको काम मिल रहा है वॉट एवर इज असाइन टू ए फॉर द शेड्यूल कंप्लीट दैट एंड पटल दैट टाइम टाइम लाइन उससे लेट नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा टाइम न लगे ईजी हो चीजें मतलब ऐसे करना है भाई कि हाँ एक टास्क मिला अगर आपको तो आपको उस पटला टाइम लाइन में ही खत्म करना है दट इज अ बेसिक क्वालिफिकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स दे आर आस्किंग फॉर स्ट्रॉन्ग प्रायोरटाइजेशन ऑफ द टाइम मैनेजमेंट स्किल मतलब मान लो आपको दस का मिले सो यू हैव टू प्रायरटाइज द थिंग्स दस का मिक्सअप तो नहीं कर पाओगे यू आर अ सिंगल पर्सन सो आप अपने दस कामों को प्रायरटाइज कर लो कि हाँ ये पहले

कर देंगे वेन आईव लॉग इन देन इट विल बी रिया मी टू द पेज पे मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट होगा पहले से अकाउंट मतलब मैंने पहले रिज्यूम वगैरह अपलोड करके कर कर रखा हो जैसे देख सकते हो ना अपलोडेड ऑन सिक्स में तो मैंने वीडियो ही दे बताने के चक्कर में मैंने ये मतलब मैं दो साल पहले से वीडियो बना रहा हूं तो सारी चीजें मैं अपलोड करता रहता हूं दिखाता रहता हूं आप लोगों को तो रेज्यूम है उसके बाद फिर यहां पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐसे अगर भरना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली उसके बाद जनरल क्वेश्चन कि आप रिलोकेट होना चाहते हो मैं रिलोकेट होना चाहता हूं यस करना पड़ेगा भाई नहीं तो आगे फॉर्म कैसे भरेगा एजुकेशन के बारे में भर देना उसके बाद वर्क एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सही से भर देना आपको सही से देना है उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो करना है उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट लास्ट में करना है कंटिन्यूस पे करोगे फिर रिव्यू होगा फिर आपको सबमिट कर देना एप्लीकेशन दैट इज इट आपका एप्लीकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे शो करेगा दैट इज थैंक यू फॉर अप्लाइंग यहाँ पे शो कर रहा है ना आप यहाँ पे जो एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन में आपका वो वाला एप्लीकेशन जो है जो आपने अभी अप्लाई किया है वो यहाँ पे ऊपर ऊपर इशो हो रहा है दैट इज दिस वन ठीक है और यहाँ पे देखो ये प्रोसेस दिखाता है एप्लीकेशन सबमिटेड उसके बाद फिर क्या आगे हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ एक एक करके आपको दिखाएगा दैट इज वॉट इज अ प्रोसेस एंड ऑल ये वाला है सॉरी ये वाला है दैट इज दिस वन ये आपको ऐसे करके ऐसे करके शो करता है सो दैट इज अ प्रोसेस यही सारी चीजें होने वाली हैं एंड आपको मेल वगैरह भी अगर आना हो तो मेल आएगा वो भी इसे मतलब मेल आई डी पे आएगा आप यही पोर्टल पर देख सकते हो तो देखो ऐसा ही कुछ मेल आता है आपको बस लिखा रहेगा दैट यू हैव अप्लाइड यू रिसीव एप्लीकेशन हैज बीन फॉर कस्टमर केवाईसी सपोर्ट तो ऐसा ही मेल आता है इन सारी चीजों का ध्यान रखना और भी आपको जो टेस्ट वेस्ट का लेंगे सब कुछ मेल आएगा ध्यान रखना इन सारी चीजों का आप मेरे वेबसाइट पर जाओगे वेबसाइट पर काफी चीज़ें काफी फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो आपको एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने में चीजें क्रैक करने में ईजी हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट के भाई आपको री लेवल के टेस्ट क्रैक कर रहे हैं बहुत ढेर सारे ऐसे यहाँ पे मटेरियल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के जो आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद फिर आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन है मतलब वेबसाइट uh, है जो आप यूज़ कर सकते हो सिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल क्रैक करना है इसमें एक्सेंचर में तो उसका भी मटेरियल है अमेजोन वी सी क्रैक करना है वी सी ये सारी के वाई आ, के वाई सी सपोर्ट ये सारा क्रैक करना है तो आप ये पढ़ सकते हो एचआर का टेस्ट क्रैक करना है तो एच आर यहाँ पढ़ सकते हो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो ऐसी चीज़ें हम लोग पोस्ट आउट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर करते रहते हैं डेली कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है जो आपके लिए बेनिफिट होगा तो ऐसी चीज़ें हम लोग पोस्ट आउट करते रहेंगे डेफिनेटली हंड्रेड कुछ ना कुछ आता रहेगा जो आपके लिए यूजफुल हो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम बाब बाय व्लॉग चैनल जरूर फॉलो कर ले तो इतनी मज़दार मज़दार चीजें आ रही हैं जो आपको देख के इतना इंफॉर्मेशन मिलेगा इतनी चीजें पता लगेंगी बिकॉज आई एम सटल इन बैंगलोर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एम आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आई कीप शेयरिंग द वीडियोज शहर की वीडियोज लोगों की वीडियोज खुद की वीडियोज कैसे शेयर करता रहता है रहा जो आपके लिए बहुत मज़दार होंगे डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे चलती है क्या, है क्या होता है क्या नहीं होता है बैंगलोर में कैसे खर्चे होते हैं क्या एक्सपेंसिस होते हैं सब कुछ अपन शेयर करते रहते हैं फ्लैट कैसा है क्या सीन है फ्लैट का पीजिएगा क्या सीन है सब कुछ हम लोग शेयर करते रहे डेफिनेटली आप को देखना चाहिए वीडियो और ब्लॉग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद हिंदमा